चलिए, स्टाफिंग का शायद हम लोग आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या? चलो आलोक बताओ तो, एक्सटर्नल सिलेक्शन का 2 गो डिमेरिट। आलोक, एक्सटर्नल सिलेक्शन का 2 गो डिमेरिट बताओ। आई गेस बताओ, कोई क्या ज्यादा था? जो पुराने एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच कंफ्लिक्ट बढ़ता है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि बाहर से अगर कोई एम्प्लॉय आता है तो उसको फिर ट्रेनिंग इंडक्शन प्रोग्राम कराना पड़ता है। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा स्टाफिंग का, ट्रेनिंग मेथड्स क्या है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का बेसिकली 2 मेथड, एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और एक ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि काम कराते कराते हुए क्या करना, ट्रेनिंग देना, यानी जो स्पेसिफिक वर्क उस एम्प्लॉय के लिए है उस वर्क को डन करते हुए क्या करना, ट्रेनिंग देना। और एक है पहले उसको ट्रेनिंग देना और उसके बाद उससे उसे क्या करवाना, कार्य करवा। जैसे कि यूपीएससी वगैरह में जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं सिविल सेवा सब में, तो उनको देखिएगा कि ऑन दी जॉब ट्रेनिंग उनकी होती है। पहले उनको लगभग 18 महीने किसी इंस्टीट्यूट में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज में 18 महीने की जो बेसिक क्लासेज होती है वो उसका होता है, और फिर उसको भेजा जाता है कहाँ, फील्ड। तो देखिएगा, अगर जो आईपीएस बनते हैं उनका सबसे पहले पोस्टिंग होता है किसी छोटे से थाने, जो लोकल कोई थाना होता है उसमें, और वहां पर वो उस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं उसके साथ रहते हैं लगभग 3 महीने, और उस 3 महीने में वो सीखते हैं कि जनरल जो FIR लॉगिन वगैरह होता है, पब्लिक का कैसे नोटिस वगैरह लिया जाए वो सीखते हैं। फिर धीरे धीरे प्रमोशन करके वो DSP और फिर बाद में SP बनते हैं, और SP बनने के बाद उनका ऑफिशियल जॉब क्या होता है, शुरू होता है। तो 2 प्रकार के ट्रेनिंग मेथड है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला है ऑन दी जॉब, पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। कहता है कि अप्रेंटिस जो होते हैं, जनरली क्या होता है कि कोई कोई ऐसा जॉब होता है जिसमें जो एम्प्लॉय होते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के आते हैं। बहुत ऐसा जॉब होता है जिसमें एम्प्लॉय क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आता है, तो उसको क्या करना पड़ता है कि किसी ट्रेंड, जो कोई और जो एम्प्लॉय है उसके अंदर में उसको रख करके उसको क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली उसको सिखाया जाता है, और एक अलग लेवल पर उसको क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत नॉलेज उसके पास रहता है, लेकिन क्या होता है। कहता है कि प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन ओरियन वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दिस। कहता है कि देखिए, जनरली जो लेबर सब होता है, देखिएगा किसी किसी मैकेनिक सबके साथ उसका एक हेल्पर रहता है, तो वो क्या करता है, प्रैक्टिस करते करते, या डॉक्टर सबके पास कंपाउंडर बैठ, शुरू शुरू देखेगा उसका काम रहता है खाली पुर्जा पर नाम लिखना, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो छोटा मोटा काम करने लगता है, सुई देने लगता है, कभी कभी दवाई वगैरह भी वो प्रिस्क्राइब करने लगता है डॉक्टर के बदले। और 2-4-5 साल सब जब वो रह जाता है तो अपने गाँव जाके डॉक्टर फलना कुमार लगा लेता है क्या, और यहाँ पर सभी रोगों का इलाज होता है, और नोट में पशुओं का स्पेशल हेलो इलाज। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, बोलिए। हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? हाँ चलो अंकित, 2-4 मिनट अभी शांत रहो। चलिए कुछ ही, चलिए। कहता है, इन दिस मेथड द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट्स द ट्रेनी एज अ कोच। द कोच और काउंसलर सिट्स मच्युअली एग्रीड अपॉन गोल्स। चलो चलो चलो, सॉरी सॉरी हेलो, हाँ, सर स्क्रीन शेयर आ रहा, जा रहा रास्ता में पहुंचा। यस सर, पहुंच अभी दरभंगा में रोड शो था इसलिए इसको लेट लग गया। चलिए यस चलिए, आइए।
दूसरा क्या है, दूसरा मेथड क्या है, कोचिंग मेथड, जिसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनको एक कोच के द्वारा या जो उनका सुपीरियर होता है वो उनको क्या करता है, गाइड करता है, ट्रेन करता है और उस हिसाब से वो अपना काम करना शुरू करता है। कहता है द ट्रेनी वर्क्स डायरेक्टली विद अ सीनियर मैनेजर एंड द मैनेजर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनीज कोचिंग। यानी जो ट्रेनी होता है वो किसी मैनेजर के अंदर में रहता है और काम करते करते डायरेक्टली क्या करना पड़ता है, सीखते हुए वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। It is a joint program of training in which educational institution and business firms cooperate. Selected candidates carry on regular studies for the prescribed period. They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skill. Internship program में क्या होता है, बड़े बड़े जो management के college होते हैं, engineering college वगैरह होते हैं, उसमें देखिएगा जब बच्चा सब last semester में जाता है, last वाले semester में, तो उसको उससे related corporate जो कंपनियां होती है उसमें directly उसको, जैसे मान के चलिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो लास्ट साल का कोर्स कर रहा है, लास्ट सेमेस्टर का, उसको भेजा जाता है प्रैक्टिकली किसी मैकेनिकल कंपनी में जहाँ हैवी मशीनरी वगैरह का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो वो वहां जाके प्रैक्टिकली क्या करता है, सीखता, देखता है कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज वो लिया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। या बिजनेस मैनेजमेंट वाले कॉलेज में देखेगा बहुत बार आपको लड़का सब रोड पर मिल जाएगा, देखे किसी चीज का सर्वे करते हुए या किसी चीज के बारे में वो एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग करते हुए मिलेंगे बिजनेस कॉलेज के जो लड़के सब होते हैं स्टूडेंट सब। तो ये क्या, इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्या होता है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ समय के लिए दिया जाता है, और जब उसकी पढ़ाई पूरी होती है तो उसको दोनों चीजों का क्या रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज भी रहता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहता है। जॉब रोटेशन। This kind of training involves shifting the trainee from one department to another or from one job to another job. जो ट्रेनी रहता है उसको क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, भेजते हैं, जिससे वो जिस डिपार्टमेंट में था उस डिपार्टमेंट का तो काम उसको आता ही था, और जिस दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा गया है उस डिपार्टमेंट का भी काम वो क्या करता है, सीखता ना, इससे उसके एफिशिएंसी और उसके एक्सपर्टीज में क्या होती है, डेवलपमेंट होती है और वो और क्या बनता है, स्किल्ड बनता है। Job rotation allow trainees to interact with other employees, facilitating future cooperation among departments. ये किस लिए किया जाता है कि अगर मान चलिए एक employee दो तीन department में काम कर रहा है तो उसको हर department का कुछ ना कुछ क्या है, नॉलेज है, जिससे आगे चल के अगर उसको कोई बड़ा responsibility मिलता है तो वो क्या कर सकता है, cooperation कर सकता है different different departments में, क्योंकि उसको सारे department के बारे में क्या रहता है पता। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो on the job training के कितने methods है, चार, कितने बता रहे हैं, इस चारों में कोई किन्हीं को कुछ पूछना है, जनरली पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए लास्ट, ऑफ द जॉब मेथड। ऑफ द जॉब का मतलब क्या, ऑफ द जॉब का मतलब कि पहले ट्रेनिंग दे देना और उसके बाद काम करवा ना, ऑफ द जॉब का मतलब यही हुआ। तो जिसमें सबसे पहला क्या है, क्लासरूम लेक्चरर और कॉन्फ्रेंस। जैसे अभी चुनाव का समय है तो देखिएगा जितना भी बड़ा बड़ा पदाधिकारी सब था, वो जितना छोटका छोटका सरकार का कर्मचारी है, टीचर है या जो भी सरकारी जॉब में है, उसको देखिएगा सबको बड़ा बड़ा सेमिनार हॉल में ईवीएम का सबको ट्रेनिंग दे, कि ईवीएम को सील कैसे करेंगे, ईवीएम में वोटिंग कैसे होगा, जो वोटर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका कैसे मैचअप होगा, पूरा वोटिंग मेथड कैसे कराया जाएगा, इसका बजाते हुआ क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, कॉन्फ्रेंस किया जाता है, और यही पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्या होता है, बताया जाता है, जिससे उसके बारे में वो क्या करते हैं, सीखते हैं और फिर वहां जाकर के क्या करते हैं, वो अप्लाई करते। या बहुत सारी चीजें हम लोग यूट्यूब पे देख के सीखते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया सब हैक करना सीखते हैं यूट्यूब पर, किसी का फेसबुक व्हाट्सएप कैसे हैक किया जाए, कैसे दूसरे का स्क्रीन शेयर करें, ये सारी चीजें लोग सीखते हैं वीडियो देख के। तो क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, पहले वीडियो देख के सीखता फिर उसका प्रैक्टिकल यूज करता क्या, और बहुत सारी चीजें सीखने वाली, जैसे मेहंदी लगाना क्या, या ब्यूटी पार्लर वगैरह का कोर्स होता है, हाँ बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारी चीजें है। चलिए दूसरा है फिल्म्स। दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिमांड्स स्किल दे आर नॉट इजिली रिप्रेजेंटेड बाय द अदर टेक्निक्स। मूवीज सबके द्वारा क्या होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे किसी को किडनैप करना हो, किसी को उठाना हो, किसी से रंगदारी टैक्स वसूलना हो, कुछ भी करना हो, या हम लोग फिल्म जैसे कि 2003 ईस्वी में 2004 ईस्वी में एक मूवी आई थी अजय देवगन की अपहरण, क्या
तो उस फिल्म को देख करके बहुत सारा जिया, जैसे सलमान खान की आई थी एक बार तेरे नाम, तो देखिए उसके बाद उसमें क्या हुआ कि मूवीज वगैरह के द्वारा क्या होते हैं कि लोग टेक्निक्स वगैरह सीखते हैं। जैसे हॉलीवुड मूवीज आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा कि कैसे एक्शन का परफेंस किया जाता है, तो लोग सब वो देख करके सीखते हैं और फिर उसी का यूज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए फिर उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि कोई स्पेशलाइज्ड जब बिजनेस में कोई ऐसा सिचुएशन आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस समय ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि सिर्फ प्रीवियस में अगर वैसा ही कोई मैटर हुआ हो तो उस मैटर के बेस पे डिसीजन लेने का क्या करती है, काम करती है, तो इसको कहते हैं केस स्टडी। जैसे कि मान चलिए 1992 में, 1992-93 में मारुति सुजुकी का सेल्स एकदम से लोएस्ट लेवल पे पहुंच गया, सबसे निचले लेवल पे पहुंच गया था। तो उस समय उसके सेल्स बढ़ाने का मेथड क्या था कि उस समय क्या हुआ था कि लोगों का जो इनकम था वो थोड़ा सा स्लो हो गया था, तो मारुति सुजुकी के जो सीईओ थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से एक स्कीम लॉन्च किया। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया और उन्होंने एक सर्वे कराया, तो उनको पता चला कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया इन दोनों में जो सेविंग का कॉन्सेप्ट है वो रूरल एरिया में ज्यादा है, क्योंकि रूरल एरिया में एक्सपेंस क्या है, कम। मान चलिए कोई टीचर है गाँव में और कोई टीचर है शहर में, तो शहर वाला टीचर अगर 30,000 अर्न कर रहा है और गांव वाला टीचर भी 30,000 अर्न कर रहा है, तो ज्यादा सेविंग किसका होगा, गांव वाले का, क्योंकि उसको उसका खर्च क्या है, कम है, और अर्बन वाले का खर्च ज्यादा है। तो उन्होंने स्पेशल जो रूरल एरिया के लोग थे किसान या टीचर वगैरह उनके लिए स्पेशल स्कीम लॉन्च किया, और अभी आप देखिए मारुति सुजुकी टॉप 3 सेलिंग कंपनीज में से एक। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक में? तो के ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के तहत का क्लासरूम लेक्चर, फिल्म्स, केस स्टडी, उसके बाद कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग का मतलब क्या, इसमें क्या किया जाता है कि कोई कोई ऐसा आपको काम दे दिया जाएगा, या जैसे कि क्या बोल सकते हैं, दिमाग में नहीं आ रहा है बहुत, कंप्यूटर पे अब इस चक्कर में सब भूल जाएंगे। रुको रुको, चलो चलो चलिए, कहा था कि कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होता है कि ऐसा वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग पे, और इम्प्लॉय को क्या क्या कहा जाता है कि रियलाइज करने जाता है, किसके लिए अलाउ किया जाता है उसको रिस्क लेने के लिए, जिसपे वो रिस्क ले और क्या करे उसको सीखे। अगर किसी तरह का जैसे कि टाइपिंग वगैरह करते हैं, टाइपिंग सीखने जाते हैं, तो वह क्या होता है, आप एक ही बार में करेक्ट टाइपिंग नहीं करने लगते, आपको मेथड्स बताया जाता है कि कैसे आपका फिंगर कहाँ होना चाहिए, किस हिसाब से आपका जो विजुअलाइजेशन है वो कहाँ होना चाहिए, कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेसी कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीजें पहले क्या करते हैं, सीखते हैं, गलती करके ही सीखा जाता है। या जैसे आप पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, तो वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, वो उसको रियलाइज करते हैं, एक एक तरह से रियल रियल फॉर्म में उसको क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं, और करते करते उसको क्या करते हैं, सीखते हैं। एक बार, दो बार, चार बार गलती होती है, और लास्टली एक बार क्या होता है, फाइनल उसका मैचअप होता है। उसके बाद वर्सेटाइल ट्रेनिंग कहता है कि एम्प्लॉय क्या होता है कि जॉब्स ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, एक्चुअल वर्क एनवायरमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉय यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट। जनरली जो ITI का कोर्स सब करता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देखिएगा वो जिन जिन चीजों के बारे में पढ़ता है, तो सेम उसको, जैसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेज पढ़ते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेज में टेंथ वगैरह टेंथ में पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि जवाब हमको देना नहीं आता है। चलिए धन्यवाद आपको। तो क्या होता है कि जैसे कि मान चलिए एम्प्लॉय जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्क करता है, अच्छा मुन्ना भाई MBBS मूवी देखे होंगे, उसमें आप एक जबरदस्त सीन देखे होंगे जब सर्जरी वाला केस आता है, तो उस समय क्या होता है कि उसको एक्चुअल किसी बॉडी को रख के उसको एक्चुअल रियलाइज कराया जाता है ये कैसे करना, और उस समय आप देखिएगा कि संजय दत्त उस काम को डन नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती है वो इम्प्लॉय को उनका जो इंस्ट्रूमेंट है या जो इक्विपमेंट के साथ उनको करना है उस बेस पे उनको क्या क्या था ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो करके क्या करते हैं, सीखते हैं।
लास्ट हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, पहले से ही एगो प्रोग्रामिंग कर लिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि उसी प्रोग्रामिंग में कुछ इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि उसको क्या करना है, कैच कर। तो इससे उसकी एबिलिटी बढ़ती है और जब वो एक्चुअल वर्क प्लेस पे जाता है तो उसको इसका आइडिया रहता है। आपका ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग खत्म हुआ। जनरली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछेगा कि जॉब ट्रेनिंग का टाइप कितना है। तो कितना टाइप है, 2 टाइप है, ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब, बस इतना याद रखना। तो इसमें हमको लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर था ये ना? आज आपका अवतरण हुआ है इसलिए आपको पता नहीं है, यहां तक में कोई दिक्कत की नहीं को? तो इसकी वीडियोज वगैरह है ही, आप लोग एक बार देख लीजिएगा।